श्रीलंका में फिर भड़की हिंसा, प्रदर्शन के बाद आवास छोड़कर भागे राष्ट्रपति राजपक्षे। एमवीएस सरकार में विधायकों का अस्तित्व था खतरे में, बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना यादव का निधन, मेदांता में ली अंतिम सांस। एनबीसीसी के पूर्व अधिकारी के घर आईटी और सीबीआई की रेड, 2 करोड़ कैश और ज्वेलरी बरामद। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 मैच आज बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। देश में एक तरफ बढ़ती महंगाई को लेकर आम जनता से लेकर तमाम विपक्षी दल सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, तो वहीं राजधानी लखनऊ में केसरबाग स्थित स्वास्थ्य भवन चौराहे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथ में बढ़ती महंगाई का पोस्टर लिए देश की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए भारी पुलिस बल भी मौजूद रही, तो साथ ही विरोध को उग्र होता देख पुलिस ने सभी को रोकना चाहा, तो वहीं सभी उनसे भिड़ गए। पिछले 2 सालों में 2.5 गुना सिलेंडर का दाम हो चुका है और 2013 में स्मृति ईरानी जी महंगे सिलेंडर का विरोध करती थी। जैसे जैसे स्मृति ईरानी जी का पद बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सिलेंडर का दाम बढ़ता जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस जो है कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके ले जा रही है। मोदी सरकार हाय है के नारे लगा रहे। देखिए देखिए, एक तरफ महिला पुलिस भी है और यहाँ पर एक तरफ जेंट्स पुलिस भी है। लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जाना संभव है कि महंगाई कम होगी। ये देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं को पुलिस घसीट रही है और महिलाएं हैं, महिलाएं भी यहाँ तमाम विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रही हैं। साफ साफ देख सकते हैं, एक तरफ कैमरा पर्सन से कहूँगा कि पुलिस की गाड़ी घुमाए, उधर देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं को बैठाया जा रहा है। पुलिस बल भारी संख्या में तैनात है। उनका कहीं ना कहीं पूछ रहा है, जनता पूछ रही है मोदी जी अच्छे दिन कब आएंगे। इस तरह से पोस्टर लिए सब सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। देख सकते हैं महिला पुलिस भी लगातार कार्यकर्ताओं को यहाँ से अलग थलग करने में लगी है। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस बल इन्हें ज़ोर जबरदस्ती कर पुलिस वैन में गाड़ियों में बैठा रहा है। किस तरह ये कहीं ना कहीं इनका कहने का मतलब ये है कि जो प्रदर्शन है इसको शांत कराया जाए, एक अच्छे माहौल को पैदा किया जाए। देख सकते हैं कि पुलिस ने इन्हें बैठा दिया, अब इन्हें या तो फिर कोतवाली ले जाया जाएगा या फिर इको गार्डन धरना स्थल पर ले जाया जाएगा। एक भारी विरोध प्रदर्शन यहाँ पर पुलिस द्वारा रोका जा रहा है। लगातार प्रदर्शन में देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पर मीडिया का हुजूम भी है और यहाँ पे महिलाएं भी है, प्रदर्शन कर रही हैं। देख सकते हैं आप, एक बार महिलाओं से भी बात करेंगे थोड़ी सी कि क्या वजह है इन्हें प्रदर्शन जो कर रही हैं, क्या कारण है कि प्रदर्शन में लोग भारी संख्या में यहाँ मौजूद है। ये बताइए क्या विरोध प्रदर्शन की? हर बार 50 रुपये सिलेंडर का दाम बढ़ता जा रहा है। बताइए कैसे इतनी महंगाई में महिलाएं खाना बनाए, कैसे अपने घर को चलाए, स्कूल की फीस बढ़ रही है, सिलेंडर बढ़ रहा है, हर दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो हम लोग इस विषय में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि अब हम लोगों को चूल्हे पे ही खाना बनाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग का आज चूल्हा जला के खाना बनाने का। ये प्रदर्शन करके आपको लगता है महंगाई कम होगी? मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन प्रदर्शन करना जो हम लोग की जिम्मेदारी बनती है। अगर हम लोग सड़कों पे नहीं उतरेंगे तो घर की महिलाएं कैसे क्या करें, बताइए। आखिर इसी तरह प्रदर्शन करेंगे आज नहीं कल तो मोदी जी के पुलिस बल के साथ आप जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, क्या ये अच्छा है, अच्छी बात है? राजनीति कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, हम लोग एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा कोई जोर जबरदस्ती पुलिस से कुछ नहीं है, एक प्रदर्शन करने का एक नजरिया है, वो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो कार्यकर्ता थी, महिलाएं कार्यकर्ता थी, इन्होंने साफ साफ विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है।
पुलिस से जोर जबरदस्ती भी की जा रही है, इन्हें जेल भी, जेल नहीं तो कोतवाली भेजा जाएगा कहीं ना कहीं। देखिए पुलिस भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। ये केसरबाग स्वास्थ्य भवन चौराहे का इलाका है, जो कि हमने महिलाओं से पूछा कि किस तरह से वो विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रही हैं और क्यों कर रही है, तो सबसे बड़ा मुद्दा उनका था महंगाई। कैमरा पर्सन शुभम के साथ स्वागत आप आ पाए टीवी लखनऊ। सुल्तानपुर में जमीनी विवाद के मामले में महिला को तालिबानी सजा देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना करीब 15 दिनों पुरानी है। हैरानी की बात तो ये है कि आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो के संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि उप प्रकरण दिनांक 21 जून को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के खलीलपुर गाँव का है, जिसमें वादी प्रतिवादी आपस में पड़ोसी हैं तथा इनके बीच पारिवारिक विवाद है। इस संदर्भ में पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा विवेचना के क्रम में 4 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। शेष विधिक कार्रवाई प्रचलित। नोएडा में एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम के घर पर सीबीआई और इनकम टैक्स की छापेमारी में करोड़ों के नोट मिले हैं। ये छापेमारी कल रात से ही चल रही है। यहाँ इतने ज्यादा नोट मिले हैं कि उसे गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीनें मंगाई गई हैं। देवरिया जनपद के सभी थानों में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें पुलिस और जमीनी विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई, जहां पुलिस और राजस्व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वहीं देवरिया जनपद के सदर कोतवाली में सदर क्षेत्राधिकारी श्रीयास त्रिपाठी ने लोगों की समस्या सुनकर निस्तारण करने का निर्देश दिया। इस दौरान लोगों को बैठने और पेयजल की सुविधा भी की गई। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में घर से कॉलेज जाने के बहाने निकली 2 युवतियां अचानक गायब हो गई। इधर परिजन दोनों की खोजबीन कर रहे थे, उधर दोनों युवतियां सीओ शाहबाद हेमंत उपाध्याय के दफ्तर में पहुंच गई और सीओ ने पुलिस सुरक्षा में दोनों को पाली थाने भेजा, जहां युवतियों ने आरोप लगाया कि उनके परिजन उन्हें जान से मार देंगे, इसलिए उनके प्रेमियों से उनकी शादी करा दी जाए। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, जन सुनवाई कर रहा था, इसी समय हमारे पास 2 लड़कियां आई और उन्होंने बताया कि हम लोग बालिग हैं और हमें अपने जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ, हमारे परिवार वाले मुझसे शादी नहीं करना चाहते। मैं तत्काल जो है उनका प्रार्थना पत्र लिया, उसमें लिखे हुए नंबर उनके पेरेंट्स से संपर्क किया गया, तो वो बताया कि लड़कियाँ हमारे घर से चली गई हैं। मैंने उनको बुलवाया और लड़कियों की सुरक्षा के मद्देनज़र मैंने थाना पाली के इंचार्ज को फ़ोन किया, वहाँ से फोर्स मंगाई और इनको हमने थाने पर भिजवाया। थाने पे इनके परिवार वाले परिवारजन भी आए, वहाँ लड़के पक्ष भी आए, दोनों में आपस में समझौता करके लड़कियाँ जिसके साथ जाना चाहती थी उनके साथ वो चली गई। कानपुर कैंट में एक युवती ने कांस्टेबल पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस कमिश्नर को शिकायती पत्र देते हुए उनसे पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की गई है। आरोप है कि शादी का झांसा देकर कांस्टेबल 2 साल से युवती का शारीरिक शोषण करता रहा। पिछले 2 साल से मेरे साथ शारीरिक शोषण करता रहा, उसके बाद इसने कई बार झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। तो कहता था मैं शादी करूंगा, मेरी जैसी नौकरी लग जाएगी। फिर उसके बाद नौकरी लगने के बाद फिर मुझे कहता है कि तुम शादी मैं जब करूंगी, जब तुम पुलिस में हो जाओगी तब, नहीं तो नहीं करूँगी। जो एक एप्लीकेशन सीनियर अधिकारियों को प्राप्त हुई है, उसके हम लोग कैंट थाना क्षेत्र का एक मामला प्रकाश में भी आया है इस प्रकार से। तो जो एप्लीकेशन है उसके अनुसार हम लोग उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन और जो विधिवत जो लीगल एक्शन है वो कराया जा रहा है। बाकी जो डिटेल जो आप बता रहे हैं कि कोई इसमें कांस्टेबल है, तो उसके बारे में पता लगाया जा रहा है कि कहाँ पे तैनात है और क्या है पूरा प्रकरण। क्योंकि जो एप्लीकेशन है प्रथम दृष्टया जो देखा है वो बताया गया कि लगभग 2-2.5 साल से ये प्रकरण था, आज वो संज्ञान में आया हमारे सबके। तो जो भी लीगल एक्शन हुआ उसको किया जाएगा और सबको अवगत कराया जाएगा। कानपुर में एक गुमनाम चिट्ठी से हड़कंप मच गया। आरोप है कि स्कूल की जगह दावते इस्लामी के मदरसे बनाए जा रहे हैं। वहीं मामले में पुलिस कमिश्नर ने संज्ञान लेते हुए केडीए नगर निगम बीएसए को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है, ताकि दावते इस्लामी पर शिकंजा कसा जा सके। दावते इस्लामी के संबंध में एक स्कूल पे कब्जा करके नया निर्माण का
प्रकरण संज्ञान में आया है उसकी जांच के लिए हमारे यहाँ BSA, KDA और नगर निगम तीनों को लेटर लिखा गया है। जो भी तथ्य आएगा और जो भी प्रकाश में आएगा उस पर विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और रिपोर्ट शीघ्र से शीघ्र प्राप्त किया जाएगा। सर, इसमें किस तरह की कब से शुरू किए निर्माण, वो सारी चीज़ें वहाँ से निकलने के बाद हमारे पास आ जाएंगी, नगर निगम के द्वारा सब मिल जाएगा, कब से इन्होंने निर्माण किया, कब तक स्कूल रहा है, जो तथ्य है वो पूरा स्पष्ट हो जाएगा। गोरखपुर में फिल्म काली के पोस्टर को लेकर पूर्व बीजेपी मेयर डॉक्टर सत्या पांडे के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं ने कैंट चौराहे पर इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद लोग कैंट थाना पहुंचे और पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे ने TMC सांसद महुआ मोइत्रा, लीना मड़ी मेल कलई और इस फिल्म के उनके सहयोगियों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। लीना मणि के मेकलाई द्वारा जो माँ काली के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है उसमें माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए लोग केवल देवी देवता बचे हैं उनका अपमान करने के लिए? जो चाहते हैं वही करते हैं। माँ काली का वो जो रूप है वो असुरों के नाश के लिए वो रूप है। असुरों के नाश जब माँ दुर्गा ने अपना का प्राकट्य हुआ तो जब सारे तरफ तबाही मचाते रहे असुर तो माँ काली को ये रूप धारण करना पड़ा और बुराई का अंत करने के लिए माँ काली आगे बढ़ी और उसके लिए उन्होंने वो रूप धारण किया। मुझे ये कहते हुए बहुत ही कष्ट हो रहा है। माँ काली के साथ साथ ये हिंदू धर्म का तो अपमान है ही और सस्ती लोकप्रियता के लिए लोगों को यही मिला है कि देवी देवताओं के ऊपर हम उपहास उड़ा दें, कोई फिल्म बना दें। मैं आज ये आह्वान करती हूँ कि एक तो हिंदू और समस्त नारी समाज का ये अपमान हुआ है क्योंकि नारी की न कोई जाति होती है न कोई धर्म होता है, नारी नारी होती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि विवाह के बाद नारी का सरनेम बदल जाता है क्योंकि नारी का जो जाति है वो उसका वो कर्म क्षेत्र होता है और ये समस्त नारी का अपमान है। मैं इसकी जितनी कड़ी शब्दों में निंदा करना है मैं करती हूँ। अमेठी में जनता के लिए आयोजित समाधान दिवस में नवागत पुलिस अधीक्षक ने जॉयस कोतवाली पहुंचकर जनता की समस्याएं सुनी और लगातार आ रही शिकायतों पर पुलिस अधीक्षक इलामारन ने पुलिस विभाग के खिलाफ नारेबाजी नाराजगी जताई है और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता के प्रति विश्वास पैदा कर समय से शिकायतें निपटाई जाए जिससे लोगों को तहसील और थाने के चक्कर न लगाना पड़े। बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता LN पराशर ने जिला कोर्ट में काम करने वाले फोर्थ क्लास कर्मचारियों का अपने फंड से 6-6 लाख का कैशलेस मेडिक्लेम बीमा करवाया है और उन्हें बीमा संबंधित कागजात कर्मचारियों को सौंपे तो वहीं पर वरिष्ठ अधिवक्ता की इस पहल की वजह से कर्मचारियों ने उनकी जमकर सराहना की और कहा कि अब वो बीमार होने पर भी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा पाएंगे। मैंने बार एसोसिएशन के जितने भी कर्मचारी हैं उनका बीमा कराया है और उनका बीमा मैंने इसलिए कराया है कि आज से 10-15 दिन पहले एक दो बिजली वाले हमारे कार्य कर रहे थे, ऊपर से मलबा आया और दोनों के हेड इंजरी हुई और वो हॉस्पिटल में लेटे रहे जब तक उनके पास पैसा नहीं, डॉक्टरों के पास पैसा नहीं पहुँचा। तो ऐसे ही हमारे जो एम्प्लाइज हैं कभी कोई हारी बीमारी होती है तो हमारे वकील भाइयों से पैसा इधर उधर से इकट्ठे करके मेडिकल बाबूजी ने बढ़िया किया आज 6 लाख का और सबसे बढ़िया वकील है बाबूजी। कितनी राहत मिल पाएगी? पूरे परिवार के पूरी राहत मिलेगी जी, पूरे परिवार के लिए जी। हानि हो जाती है जी, अटैक पड़ जाता है, वे पड़ जाता तो पूरी हानि होगी। और एज ए क्लर्क तो आज सर ने हमारा मेडिक्लेम करवाया, इस मेडिक्लेम से हमें काफ़ी सुविधाएं भी मिलेंगी, आगे जो भी डिजीज़ होगी तो हम डायरेक्ट हॉस्पिटल जाके भर्ती हो सकते हैं और उसका क्लेम कर सकते हैं और अपनी डिजीज़ का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। संस्थाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, जितना भी जानता हूँ कि जो संस्थाएँ चल रही हैं जो गवर्नमेंट संस्थाएँ हैं उन जो मैंने मोस्टली चीज़ें देखी हैं कि उसमें कुछ एक तो इतना क्राउड होता है तो वो ब्लेम नहीं कर पाते और जो डॉक्टर्स होते हैं उन पर काफ़ी प्रेशर होता है ट्रीटमेंट करने का। तो जैसे मान लो किसी का अगर इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में अगर कोई जा रहा है ना जी, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर काम कर रहे थे दो इलेक्ट्रीशियन तो बगैर देखे ऊपर से किसी ने मलबा फेंक दिया परात से भर के तो सीधा आकर सिर में लग गई जी चोट।
लगने के बाद फिर दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रीशियन है वो हमें हॉस्पिटल ले गया जी। वहीं बाबूजी भी आ गए थे, एल एन बाबूजी, एल एन पार सर जी। उन्होंने चोट देखने के बाद डॉक्टर साहब से बात करी, हमारा ट्रीटमेंट। गोरखपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कैंट इलाके के मुहद्दीपुर चार फाटक रोड पर स्थित दुर्गा मंदिर की रखवाली करने वाली कैलाशी देवी की गला दबाकर हत्या कर दी गई और उनके शरीर से चेन और कड़ा भी गायब है। उनके पास से मंदिर की चाबी लेकर चोर दान पात्र भी उठा ले गए। हत्या की सूचना पर एडीजी अखिल कुमार, डीआईजी रविंद्र पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। मौत की वजह जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दबा के हत्या कर दिया था और 4-5 दिन पहले भी कुछ लड़के आए थे, उनके गले में से चाबी निकाल रहे थे, तो वो पुलिस वालों को एफ आई आर की, पुलिस वाले भी पकड़े थे यहाँ मोहद्दीपुर पुलिस चौकी से। तो वो लोग धमकी दिए थे कि हम लोग को फिर एफ आई आर करोगी तो उनको जान से मार दिया जाएगा। वही लोग हमें शक लग रहा है, वही लोग काम किए हैं। पुलिस वो हमारी माता जी पुलिस के यहाँ ले गई थी लड़के को। हाँ, एक बुजुर्ग महिला हैं कैलाशी देवी वाइफ ऑफ स्वर्गीय रामशरण निषाद, जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है। ये मूल रूप से बिछिया थाना शाहपुर की रहने वाली हैं। यहाँ मोहद्दीपुर में सड़क के किनारे प्लास्टिक डाल के रहती थी और चाय और बिस्किट बेचती थी। आज सुबह इनके दुकान में देखा गया तो मृत अवस्था में पड़ी मिली हैं। इनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, अन्य आवश्यक विधि। फरीदाबाद में डीपीएस स्कूल के छात्र द्वारा 15 मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने के मामले में छात्र की मां ने सोशल मीडिया के जरिए छात्र को न्याय दिलाने की अपील की है, जिसमें उन्हें सोशल मीडिया से खासा रिस्पांस भी मिल रहा है। मृतक छात्र की मां आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी होने की बात कह रही है और से नाखुश भी है। हालांकि इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। डीपीएस स्कूल के छात्र आरवी ने मरने से पहले लिखे सुसाइड नोट में साथ ही छात्रों और स्कूल की प्रिंसिपल ममता गुप्ता द्वारा परेशान करने के आरोप लगाए थे। हरदोई में कासिमपुर थाना क्षेत्र के भटौली गांव में महापुरुषों की प्रतिमा पर अराजक तत्वों ने गेरू से पुताई कर दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के मुंह पर गेरू से पुताई की है। इस पूरे मामले की जानकारी से इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते पूरे इलाके में रोष व्याप्त हो गया है, जिसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से प्रतिमा की साफ सफाई कराई। इसके साथ ही पुलिस ने माहौल खराब करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। भटौली गांव है, भटौली गांव में गांव के बाहर महापुरुषों में अम्बेडकर जी और महात्मा बुद्ध की मूर्ति लगी थी, जिस पर किसी शरारती तत्व द्वारा गेरुआ जो रंग है उसको पोत दिया गया था उनके मुंह पर। पुलिस को इसे सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच करके उसको साफ कराया है। पास में ही सीसीटीवी लगा है, पुलिस उससे पहचान करने की कोशिश की जा रही है। शीघ्र ही पहचान करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर में उपजिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी के साथ पुलिस विभाग ने कुख्यात अपराधी और माफिया आरिफ पहलवान चल अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया है, जिसकी अनुमानित कीमत 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की है। का चिन्हित माफिया है और माफियाओं के विरुद्ध सरकार के निर्देश में लगातार अभियान जनपद में जारी है, जिसके क्रम में आज लगभग 2 करोड़ से कुछ अधिक मूल्य की 5 संपत्ति कुर्क की गई है और अन्य संपत्ति की भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। जो अपराधी है इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और वर्तमान में इस पर NSA भी लगा हुआ है और ये निरुद्ध है। ऐसे सभी अपराधियों को चिन्हित कर इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कौशाम्बी से एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो को संज्ञान में लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। वीडियो मंझनपुर थाने क्षेत्र के समद गांव का बताया जा रहा है, जहां पर प्राइवेट बस के कंडक्टर से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि कंडक्टर सवारी के साथ मारपीट करने लगा, जिससे उसके शरीर पर भी कई जगह चोटें आई हैं।
खबर आए बरेली से है, जहां पर करणी सेना और उद्योग व्यापार मंडल ने बिजली कटौती को लेकर हरचंदपुर पावर हाउस में धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि करणी सेना जिलाध्यक्ष मोनू सिंह भदौरिया और उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष अमित पांडे की अगुवाई में क्षेत्र में हो रही बिजली कटौती को लेकर पावर हाउस में ज्ञापन दिया गया। उपाध्यक्ष हरचंदपुर और गंगागंज व्यापार मंडल अध्यक्ष, क्या समस्या? जय साहब ना तो कभी फोन उठाते हैं, ना यहाँ का जो पावर हाउस का सीयूजी नंबर है वो भी कभी नहीं उठता, हमेशा नॉट विजिबल रहता है। 10 दिन से ये मानिए कि 100 वोल्टेज से नीचे लाइट आ रही है, ना किसान के ट्यूबवेल चल पा रहा है, ना घर के पंखा चल पा रहा है। जय साहब को फोन करो तो फोन नहीं उठता है, लाइट पूरी पूरी रात नहीं रहती है, और यही सारी समस्या है। और इसका निदान करने के लिए अब यहाँ पर आए हैं, तो जय साहब बता रहे हैं कि हम बाहर हैं, हम मिल ही नहीं पाएंगे, और पावर हाउस हमारा नहीं है, हम बाहर हैं, और जिससे आपको वो हो आप अपनी शिकायत करिए, बाकी हमारे बस की बात कुछ नहीं है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।